आप देख रहे हैं सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल यूपी 24 न्यूज और मैं आपके साथ शालू तोमर। फिरोजाबाद में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आज फिरोजाबाद के तहसील रोड पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के गोदाम में गत रात्रि चोर गोदाम में रखा 3 से 4 लाख रुपए का माल चुरा कर ले गए। वहीं पुलिस अब इन चोरों की तलाश करने में लगी है। मामला थाना दक्षिण के तहसील रोड का है, जहां देर रात्रि में चोरों ने बड़ी आसानी से फायर स्टेशन के सामने बने गोपाल ट्रेडिंग कंपनी के गोदाम के ताले तोड़ दिए, जिसमें 3 से 4 लाख का माल साफ कर दिया। पुलिस मौके पर मामले की जांच में जुटी है। वहीं गोदाम स्वामी का कहना है कि रोज की तरह वह कल भी गोदाम बंद करके गए थे, जब आज सुबह अपने गोदाम पहुंचे तो ताला टूटा पड़ा था, जिसकी सूचना हमने तत्काल पुलिस को दी है। लगातार क्षेत्र में बढ़ती चोरी की घटनाओं को रोकने थाना दक्षिण पुलिस पूरी तरह से नाकाम दिख रही है। 10 दिन के अंदर एक ही गोदाम में 2 बार चोरी होना थाना दक्षिण पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा करता है। दक्षिण क्षेत्र बढ़ता रेना रोड तहसील मोड़ के पास गोपाल ट्रेडिंग कंपनी के नाम से फर्म है, या गिलास डेकोरेशन कार्य होता जी। 24 जनवरी में चोरी हुई थी, दीवार तोड़ के उसमें लैपटॉप ले गए थे, पेन ड्राइव ले गए थे, डीवीआर ले गए थे, 10,000 रेजगाड़ी ले गए थे और 3-4 पेटी कार्टून गिलास के ले गए थे। आज ताले चटका के बैटरी ले गए, इन्वर्टर ले गए, कुछ डाइया ले गए और उसकी लिस्ट बना के तब पता लगे कितना लगभग 3-4 लाख रुपए का लगभग नुकसान है इसमें जी। तो आप बताया जा रहा है कि ये सीसीटीवी फुटेज के डायरेक्शन चेंज कर, हाँ डायरेक्शन भी चेंज कर दिए, कैमरों के सारे डायरेक्शन चेंज कर दिए। तहरीर अभी नहीं दी है, फुल थाने से 100 नंबर से आए थे और थाना दक्षिण से भी आए थे, तहरीर देने जा रहे हैं अभी। आपके यहाँ फ्रम में दो बार घटना हो चुकी है, संदेह या किसी तरह का नहीं? अभी तो ऐसा संदेह किस तरह बताया, किसी को देखा तो है नहीं। हाँ 2 बार हो चुका है। पुलिस ने 24 तारीख में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और अभी तक आज तक अगर होती कार्रवाई तो शायद दोबारा घटना नहीं घटती। दोनों घटना के मिला के लगभग कितने रुपए की चोरी? लगभग मान के चलो 4-4.5 लाख के। फिरोजाबाद से शैलेश झा की रिपोर्ट।